हे गाइस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्विल्ट, जिसको लिखा है इस्मात चुगताई ने। हम इस पूरी स्टोरी की समरी, पूरे स्टोरी का जो प्लॉट है उसको समझेंगे जस्ट 15 शॉर्ट पॉइंट्स। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिफोर वी स्टार्ट। सो लेट अस बिगिन। पहले हम जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। जो इस्मात चुगताई थी वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उर्दू राइटर थी, पर वो इंडिया से ही थी। ये जानी जाती थी अपनी बोल्ड एंड प्रोग्रेसिव पोर्ट्रेल के लिए, यानी कि ये ऐसे लिखती थी कि हमें बिल्कुल लाइफ एक्सपीरियंस फील हो उस चीज़ का, एक इमेजरी क्रिएट हो जाए हम जब उनके लिटरेरी वर्क्स को पढ़ें। इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो जनरली सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ माने जाते थे, कॉन्ट्रोवर्शियल माने जाते थे। ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट इन इंडिया जो था उसमें भी एक प्रोमिनेंट फिगर रही। इनका राइटिंग स्टाइल इज कनेक्टेड विद रियलिज्म एंड एम्पैथी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी के साथ, इंट्रोडक्शन टू बेगम जान्स हाउसहोल्ड। अब स्टार्टिंग में ही आपको बेगम जान का नाम दे दिया गया है, तो आपको समझना होगा कि स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लाविश सेटिंग के साथ, एक बहुत ही सुंदर ग्रैंड सेटिंग के साथ, जो घर है बेगम जान नाम की लेडी का। ये जो घर है ये बहुत ही बोलते हैं ग्रैंड्योर है, ग्रैंड्योर ग्रैंड तरीके से सजा हुआ है पूरा। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही अमीर इंसान यहाँ पे एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा, कुछ इस तरीके से बेगम जान के घर का पोर्ट्रेल किया जाता है। बाहर से तो ये घर पूरा लग्जरी से भरा हुआ दिखता है, अंदर से भी दिखता है, पर जो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ये इनकी मेंटल अपीयरेंस नहीं है। यानी कि जो चीज इनके घर में दिख रही है, यानी कि सुख शांति इनके घर में दिख रही है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है इन लोगों के मनों में। यानी कि ये लोग अंदर से परेशान है। बेगम जान अंदर से एक ऐसी विमेन है जो परेशान है अपनी लाइफ से। बेगम जान की जिंदगी में एक लोनलीनेस है, अकेलापन है, और वही अकेलापन यहाँ के एटमोसफियर में फील किया जा सकता है। जो बेगम जान के हस्बैंड है ना, उनका नाम है नवाब साहिब, और ये नवाब साहिब एक निग्लेक्टफुल हस्बैंड है, यानी कि अपनी बीवी की तरफ ध्यान ना देने वाले, उनका ध्यान ना रखने वाले एक ऐसे पति हैं वो। जब जब दिखाया जाता है कि बेगम जान और नवाब साहिब आपस में बात कर रहे हैं, तब तब ऐसा फील होता है कि इन दोनों के बीच में कोई इमोशनल डिस्कनेक्ट, इमोशनल डिस्टेंस है। और यही एक मेन जो चीज़ ये दिखा रही है कि इनकी जो मैरिज है वो एक सक्सेसफुल मैरिज की तरह नहीं दिख रही है। इससे पहले हम स्टोरी को आगे बढ़ाएं, जब आपने बेगम जान के घर के बारे में जान लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टोरी नरेट कौन कर रहा है। तो ये स्टोरी जो है ना, ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की है, कॉलोनियल एरा चल रहा है इस टाइम, और एक मुस्लिम हाउसहोल्ड की बात की जा रही है। यहाँ पे जो नरेटर है वो एक यंग गर्ल है जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और यही यंग गर्ल ये अपनी वेल्दी आंट यानी बेगम जान जो है, ये इनकी जो गर्ल है, जो नरेटर है, उनकी आंट है बेगम जान, तो ये उनके पास रहने आई हुई है जब उनकी मदर उनसे दूर है तब। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ, बेगम जान्स लोनलीनेस एंड निग्लेक्ट। जो नवाब साहिब है वो बेगम जान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनके बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। अब ये जो बेगम जान है ना, ये अपने इस अकेलेपन से दूर जाने के लिए, एक कंपेनियन ढूंढने के लिए इधर उधर मौके ढूंढती रहती हैं। ये दिखता है कि बेगम जान एक जेन्युइन अफेक्शन, एक जेन्युइन अटेंशन को चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रब्बू। बेगम जान के घर पे रब्बू एक नौकर है, एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट है ये। थोड़ी क्या बोलते हैं, रब्बू एक फीमेल है पर बहुत ही मैस्कुलिन दिखती है ये, मतलब बहुत मर्दाना इसकी लुक है। वैसे तो बात करने में ये अच्छी है, बात करने में बहुत स्वीट है, पर जब जब इनके कोई डायलॉग आते हैं तब तब दिखता है कि रब्बू एक तरीके की रिस्पेक्ट और अथॉरिटी को
रिसीव करती हैं बेगम जान के घर में, यानी कि इनको रिस्पेक्ट मिलती है चाहे ये सर्वेंट भी हैं तब भी। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, इट इज इमर्जेंस ऑफ एन इंटीमेट बॉन्ड। अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है, रब्बू और बेगम जान एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एक सर्वेंट का कनेक्शन नहीं है, इससे बहुत बढ़कर है। इनके इंटरैक्शंस बहुत ही डीप होते हैं, एक इंटीमेट क्वालिटी के इंटरैक्शंस होते हैं ये इनके। ये एक दूसरे को अपनी सारी वीक मोमेंट्स बता सकती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अफेक्शनेट इनका बिहेवियर रहता है, और इसी वजह से ये आपस में कंफर्टेबल और इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। द नरेटर्स क्यूरियोसिटी। अब ये यंग नरेटर हमारी एक बच्ची ही तो है, पहले तो ये पैसिव ऑब्जर्वर है, यानी कि सिर्फ देख रही है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है। पर धीरे धीरे ना इसको इनको ये इंटरेक्शन जो है बेगम जान और रब्बू के, ये थोड़े से ज़्यादा ऐसे लगने लग जाते हैं जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बिकॉज एज अ चाइल्ड उसके दिमाग में यही है कि अ हस्बैंड एंड अ वाइफ हैज सच कनेक्शन, तो क्यों एक सर्वेंट और एक एम्प्लॉयर दैट टू ऑफ द सेम जेंडर, क्यों इनका रिलेशनशिप ऐसा है। ये होती है हमारे नरेटर की क्यूरियोसिटी, द हिडन वर्ल्ड रिवील्ड। अब ना क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारे इस नैरेटिव में, जब हमारे जो नरेटर है वो ठंड से बचने के लिए क्विल्ट के अंदर, रजाई के अंदर लेटी होती है, और वही लेट के ये देखती है कि बेगम जान और रब्बू आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल है। तो व्हाट इज दिस, दैट दिस इज अ एक्सपीरियंस जो दिखाता है कि जो हमारी नरेटर है वो उस टाइम पे एक बच्ची थी, पर ड्यू टू सच कंडीशंस, ड्यू टू सच एक्सपोजर, उनकी जो ये इनोसेंस है वो फेड होनी स्टार्ट हो जाती है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में स्टेप कर देती हैं विच एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अडल्ट रिलेशनशिप्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द सिम्बॉलिज्म ऑफ द क्विल्ट। ये जो क्विल्ट है हमारी यहाँ पे, ये एक मेटाफोरिकल वेल है, यानी कि एक तरीके का पर्दा है, एक पर्दा जो मेटाफोरिकल है, जो कि असली पर्दा नहीं है, पर इन दोनों के बीच में एक तरीके की दीवार है, जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे को पता ना चले कि हम ये बात जानते हैं। सो सीक्रेसी, सीक्रेट मेंटेन करने का एक मेटाफर है कि जो बेगम जान और रब्बू की जो फॉरबिडन रिलेशनशिप है, एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये उसका एक सीक्रेट मेंटेन करने का मेटाफर है हमारी क्विल्ट। एट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन द नरेटर। अब नरेटर पे इस इवेंट क्या इम्पैक्ट आए, बेगम जान और रब्बू की रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद हमारी नरेटर बहुत ही डीपली इम्पैक्ट होती है। इनके दिमाग में जो प्री कंसीव नोशंस थे लव के, यानी कि लव ऐसा होता है जनरली एक मेल एंड फीमेल के बीच में होता है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये अपनी इनोसेंस जो है अंदर उससे लड़ने लग जाती हैं, और ये ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं अडल्ट इमोशंस की तरफ, कि ऐसा क्यों हुआ जो मैंने देखा, उसका मतलब क्या था। सो शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो हुआ ये इसका रीजन क्या था, ऐसा क्यों हुआ, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑन आर नरेटर। एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी। अब अगर हम आज के जमाने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें कुछ गलत नहीं था, बिकॉज इफ अ फीमेल इज नॉट एबल टू नेविगेट देयर रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाई बेगम जान, जो रिलेशनशिप उनका नवाब साहिब के साथ था, तो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में कैसे एक ऐसे इंसान को ढूंढे जो उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में समझे। इसीलिए बेगम जान को रब्बू में एक ऐसा पर्सन मिला जो उनकी सेक्सुअलिटी को, उनकी डिजायर्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करने लगा। मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्फ्रंटिंग सोसाइटल नॉर्म्स। हमारे जो नरेटर हैं वो खुद ही
अपने जो ये बिलीव्स के बारे में उनको जो बताया गया था, सिखाया गया था, जो परसेप्शंस थे कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो उसको रीवैल्यूएट करने पे एक तरीके से फोर्स हो गई है कि उनको समझना पड़ेगा कि जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, वो था क्या। आगे आता है द नरेटर्स डिपार्चर। अब इस टाइम पे क्या हुआ, अब वो टाइम आ जाता है जब नरेटर को यहाँ से जाना है, वापस से अपनी आंट के घर से वापस जाना है। अब नरेटर का यहाँ से जाना एक तरीके का सिंबल है कि इनकी जर्नी का एंड हो गया है। कौन सी जर्नी? सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी, एनलाइटमेंट की जर्नी, एडल्ट रिलेशनशिप्स को जानने की जर्नी। ये अपने पीछे छोड़ के जा रही है एक वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। ये अपने साथ क्या लेके जा रही है, एक ऐसी नई अंडरस्टैंडिंग जो जानती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, रिफ्लेक्शन ऑन पावर डायनामिक्स। कैसे हमारी सोसाइटी में बेगम जान और रब्बू जैसे जो लोग हैं, जो वेल्थ से तो अमीर हैं पर जो उनके अंदर डिजायर्स हैं वो फुलफिल ना होने की वजह से उनके अंदर एक सेंस ऑफ लोनलीनेस उनको गरीब बना देती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस वल्नरेबल बन जाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों के हाथों में पार नहीं रहती कि वो चीजों को समझ पाए, चीजों को इंटरप्रेट कर पाए। यही है हमारा रिफ्लेक्शन ऑन पावर डायनामिक्स। चैलेंजिंग पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, जो पेट्रियार्की में कहा जाता है कि ओनली अ मैन कैन फुलफिल द डिजायर्स ऑफ अ वुमेन, इस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को यहाँ पे चैलेंज किया गया है, दैट इवन अ वुमन कैन अंडरस्टैंड अनदर वुमेन्स पेन, अनदर वुमेन्स डिजायर, अनदर वुमेन्स एक्सपेक्टेशंस। 14th पॉइंट सेज लीगेसी ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं जो एक सोसाइटल टैबू है, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स जिनको डिस्कस करना रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है सोसाइटी में, तो हमें इस स्टोरी ने कैसी लेगेसी दे दी है। फाइनल कंटेम्पलेशन, लास्ट में पता चलता है कि क्विल्ट एक ऐसी स्टोरी है जो अपने अंदर ये क्षमता रखती है कि वो बता सके दैट लव हैज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। बेगम जान जो लोनलीनेस से एकदम अकेली एकदम ऐसी हो गई थी कि कुछ भी उनको अच्छा ना लगे, वही चीज उनको अच्छी लगने लगी जब उनके लाइफ में एक ऐसा पर्सन, रब्बू जैसी पर्सन आई जिन्होंने उनकी लाइफ को लाइट अप कर दिया। मूविंग फटाफट से अपनी थीम्स की तरफ, फर्स्ट इज सेक्सुअलिटी एंड डिजायर, कि कैसे ऑफ वेमेन सॉरी एनी वेमेन कैन फाइंड द फुलफिलमेंट ऑफ हर डिजायर्स इन एनी पर्सन। जो भी पर्सन उनको कंफर्टेड फील करवाएगा कैन फुलफिल देयर डिजायर्स। पावर एंड एजेंसी, कैसे जो पावर है वो हमारी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज मोर इन द हैंड्स ऑफ द मेन, कि वही कंट्रोल करते हैं कि कैसे उनकी वाइफ जो हैं कैसे वो जिएंगी, कैसे उनकी लाइफ रहेगी। कंसीलमेंट एंड सीक्रेसी, हमने ये देखा कि जो नरेटर थी और जो हमारी बेगम जान थी उनके बीच में सब कुछ पता होते भी एक सीक्रेसी, एक पर्दा रहा कि ये बातें किसी को बताई नहीं जाएंगी चाहे वो उनको फुलफिलमेंट दे रही हैं तब भी, तो एक सीक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया। क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की, पेट्रियार्को स्ट्रक्चर, पेट्रियार्की का क्रिटिक है ये हमारी नॉवल, कि जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है हमारी, इसमें वुमेन कैसा फील करती है, दे फील सफोकेटेड एंड वेरी लोनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।